आज के इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि आप अपने SBI बैंक अकाउंट का जो मोबाइल नंबर है उसको घर बैठे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल के अंदर आके SBI लॉगिन कर लेना है। यदि आपका जो नेट बैंकिंग नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ पे नेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं या फिर बैंक के अंदर जाके आप चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं SBI की जो वेबसाइट है उसके अंदर आके कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना जो यूजर नेम है और अपने जो पासवर्ड है वो लगा के यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यदि दोस्तों आपको यूजर नेम और पासवर्ड याद नहीं तो यहाँ पे आप फॉरगेट कर सकते हैं, जिससे कि आप दोबारा न्यू आईडी या फिर न्यू पासवर्ड बना सकते हैं, जिससे कि आप फिर उसको लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको लॉगिन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि आपको मैं सभी प्रश्न का उत्तर सही से दूंगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना जो यूजर नेम है और अपने जो पासवर्ड है वो यहाँ पे लगा लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो रेड कलर का कैप्चा है इसको यहाँ पे हमें फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पे हमारा बैंक के अंदर जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP आता है, उसको हमें यहाँ पे सबमिट करके यहाँ पे इस प्रकार से सबमिट कर लेना है, जिससे कि हम अपना जो नेट बैंकिंग है उसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे माय अकाउंट एंड प्रोफाइल के अंदर जाके प्रोफाइल पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है पर्सनल डिटेल एंड मोबाइल, तो हमें इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक में दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो यहाँ पे लगाने लगा है। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा SBI लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड अलग होता है, यदि आपको प्रोफाइल पासवर्ड याद नहीं तो यहाँ पे आप फॉरगेट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। तो मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट कर लेता हूँ। और सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो SBI के अंदर जो मोबाइल नंबर दिया है वो यहाँ पे हमें शो हो जाता है। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज मोबाइल नंबर जो नीचे वाला जो ऑप्शन है जहाँ पे लिखा है ATM, तो हमें इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करें दोस्तों, यहाँ पे आप जो न्यू मोबाइल नंबर लगाना चाहते हैं वो न्यू मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लगा लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना जो दूसरा मोबाइल नंबर लगाना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, जिससे कि मेरा पुराना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे हट जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा उसी नंबर को कन्फर्म कर लेता हूँ जो कि मुझे न्यू नंबर लगाने हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो सबमिट का जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें ओके पे क्लिक कर लेना है, जिससे कि हमारा जो मोबाइल नंबर है इसके अंदर सबमिट होने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पुराना मोबाइल नंबर है उस पर OTP लेने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ लिखा है OTP बोथ एंड मोबाइल नंबर, तो हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो प्रोसीड का जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक में दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ATM कार्ड है जो कि एक्टिवेट है वो हमें यहाँ पे शो हो जाता है। तो हमें यहाँ पे इस पर एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है प्रोसीड, तो हमें इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे ये खुल चुका है, तो यहाँ पे हमारा जो भी ATM कार्ड एक्टिव है वो हमें यहाँ पे शो हो जाता है। तो हमें यहाँ पे इसको कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद दोस्तों हमारा जो ATM कार्ड हमारे पास है उसको हमें हाथ में लेना है और उसकी जो सारी डिटेल है वो यहाँ पे हमें फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो अपना पिन लगा के यहाँ पे जो कैप्चा है वो लगा के यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप क्लिक करना दोस्तों यहाँ पे हमें इसको नेवर कर लेना ताकि सेव ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको अपने मोबाइल के अंदर आना है। यहाँ पे हमें दोनों सिम के अंदर दो न्यू मैसेज मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो जो न्यू सिम है उसके अंदर मिल जाता है और एक जो पुराना नंबर है उसके अंदर मिल जाता है। तो हमें इस मैसेज को कॉपी कर लेना दोनों के अंदर, और कॉपी करने में दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जैसा बताता हूँ बिल्कुल वैसा करना है, तब जाके आपका जो मोबाइल नंबर है वो न्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें उस मैसेज को कॉपी करके हमें यहाँ पे न्यू मैसेज टाइप करना है, उसके अंदर हमें इसको पेस्ट कर लेना है, और मैसेज के अंदर जो दूसरा जो ऊपर वाला सभी भाग है उसको हमें कट कर लेना है, और यहाँ पे केवल जो एक्टिवेट कोड है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये आईडी है उसको यहाँ पे लगानी आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें जो एक नंबर है उस पर सेंड करना है, जिसका जो नंबर है वो 567 और उसके बाद 67 वापस 6 है। अब इस पर हमें इस मैसेज को सेंड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों पहले हमारी जो न्यू सिम है उसके द्वारा इसको सेंड कर लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों हमें जो पुराने सिम है उसके अंदर भी एक दूसरा कोड मिलता है उसको भी हमें कॉपी करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब मेरी जो फर्स्ट सिम है जिसको मैं बदलना चाहता था, जिसके जो नंबर है वो चेंज करना था, उसके अंदर भी एक मैसेज मिलता है जो कि आप देख सकते हैं। इसको हमें इसी प्रकार से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे न्यू मैसेज टाइप करना है, और उसी प्रकार से दोस्तों उसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये केवल कोड है वो ही हमें लगाना है, दूसरा जो फालतू मैसेज है उसको हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ,
और कट करने के बाद दोस्तों हमें दोबारा जो नंबर मैंने आपको बताया था उसी पे आपको वापस मैसेज करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता लूँ कि ये जो दोनों सिम के अंदर मैसेज मिलते हैं उनके अंदर जो एक्टिवेट कोड होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों के अंदर जाके आपको दोनों को कॉपी करना है और अलग अलग मैसेज करना है। तो चलिए इसके अंदर भी मैं इसको मैसेज कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मैसेज नहीं जा रहा, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे ये कारण है कि मेरे अंदर रिचार्ज नहीं है। तो मैंने वापस 10 रुपये का रिचार्ज किया, उसके बाद उसको सेंड किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका है। अब यदि मैं अपने पीसी के अंदर जाके देखता हूँ तो मेरे मोबाइल नंबर चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप भी नंबर चेंज कर सकते हैं।